हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी वेल इनफ बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत बड़ी खुशखबरी, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है। SSC की तरफ से ऑफिशियल कैलेंडर जारी कर दिया गया है 2024-25 के लिए। किन किन पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट, मतलब SSC के थ्रू जो भी वैकेंसीज आती है सबके लिए अप्लाई डेट, एग्जाम डेट, क्वालिफिकेशन क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगी, और कितना कितना पोस्ट आएगा, मतलब हम लोग कंप्लीट डिटेल में मैं उस कैलेंडर के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसी है। जो कैंडिडेट 10th पास आउट है, 12th पास आउट, ग्रेजुएट, सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप भी SSC की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एज आई टोल्ड यू, SSC ने ऑफिशियल एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें आपको टोटल 9 पोस्ट के लिए वैकेंसी की जो होती है ना डिटेल, अप्लाई डेट, एग्जाम डेट, कितना पोस्ट आएगा सब कुछ बताया गया है। तो हमारी जो फर्स्ट पोस्ट है ना, सेलेक्शन पोस्ट फेज 12 के लिए आपका अप्लाई का जो डेट है 1 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। 29 फरवरी 2024 इसके लिए लास्ट डेट रहने वाला है। इसका एग्जाम की अगर बात करें तो एग्जाम अप्रैल मई 2024 में होगा। रही बात की क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन क्या होगा, 10th, 12th एंड ग्रेजुएट तीनों के लिए इसमें आता है। अलग अलग पोस्ट के लिए सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू वैकेंसी कंडक्ट कराया जाता है। इसके लिए आप मान के चलो 4000 से लेके 10000 तक के सीट पर आपकी वैकेंसी आएगी। सेकेंड पोस्ट है हमारी SSC CPO, मतलब सेंट्रल पब्लिक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के तहत आपको यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट, जो अर्ध सैनिक बल होते हैं ना, जैसे कि CISF, CRPF, आपको असम राइफल्स एंड दिल्ली पुलिस, सबने सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए आपकी रिक्रूटमेंट आएगी। अप्लाई की जो डेट है 15 फरवरी 2024 से 14 मार्च 2024 तक इसका लास्ट डेट रहेगा। इसका एग्जाम फ्रेंड्स मई जून में कंडक्ट कराया जाएगा। क्वालिफिकेशन वाइज बात करें तो ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। टोटल पोस्ट आपका 2000 से 4000 के बीच, मतलब पर ईयर इतना सीट आता है, तो मान के चलो कि इतना आएगा, हो सके तो इससे ज्यादा सीट भी आएगी। थर्ड पोस्ट है आपका SSC JEE, मतलब जूनियर इंजीनियर, तो इसके लिए अप्लाई डेट क्या है, 29 फरवरी 2024 से ये फॉर्म आपकी स्टार्ट होगी और लास्ट डेट टू अप्लाई 29 मार्च 2024 रहने वाला है। इसका भी एग्जाम आपको मई जून 2024 में कंडक्ट कराया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो जिनके पास BE एंड BTEC की डिग्री है वो सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारी जो फोर्थ पोस्ट है CHSL, मतलब कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, इसके तहत आपको एग्जाम जो होगा फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई डेट देख लेते हैं। ये फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होगा 2 अप्रैल 2024 से, लास्ट डेट टू अप्लाई 1 मई 2024 रहने वाला है। एग्जाम डेट जून जुलाई 2024 रहेगा। और क्वालिफिकेशन आपका बहुत ही सिंपल है, जो भी 12th पास आउट कैंडिडेट है सब अप्लाई करेंगे। इसके लिए जो टोटल नंबर की सीट रहेगी ना, 5000 से 12000 के बीच तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सीट्स को। तो आइए अब अगली पोस्ट के ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आपका फिफ्थ पोस्ट है MTS, मल्टी टास्किंग स्टाफ का। इसका जो अप्लाई डेट है 7 मई 2024 है और लास्ट डेट क्या है, 6 जून 2024। एग्जाम डेट की बात करें तो जुलाई अगस्त 2024 में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। क्वालिफिकेशन वेरी सिंपल, 10th पास आउट कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेंगे। इसके लिए जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ना सीट, आपका टोटल 5000 से 12000 के बीच, मतलब पर ईयर, इस साल दो बार वैकेंसी आई है और दोनों बार मान के चलो 12000 तक की सीट रहा है, तो उसके अनुसार आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बम्पर नंबर की सीट पर वैकेंसी आएगी। सिक्स्थ पोस्ट है आपका CGL, मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के लिए आपकी वैकेंसी आएगी। 11 जून 2024 टू 10 जुलाई 2024 के बीच में आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। एग्जाम डेट की बात करें तो सितंबर टू अक्टूबर 2024 में, अभी डेट अनाउंस नहीं किया, मंथ अनाउंस कर दिया गया है। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका सिंपल है, ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई करेंगे।
सेवेंथ पोस्ट की बात करते हैं अब हम लोग, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट के लिए सेवेंथ पोस्ट रहेगी। इसके लिए फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होगा 23 जुलाई 2024 से और लास्ट डेट 21 अगस्त 2024 रहने वाला है। एग्जाम डेट अक्टूबर नवंबर 2024 में रहेगा। इसके लिए मास्टर्स डिग्री वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। एट जो आपका पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड CND के लिए, इसका जो अप्लाई का डेट होगा 16 जुलाई 2024 से 14 अगस्त 2024 के बीच रहने वाला है। एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा अक्टूबर टू नवंबर 2024 के बीच। क्वालिफिकेशन वेरी सिंपल, 12th पास आउट अप्लाई करेंगे। और इसके लिए ना बहुत अच्छी बात ये होती है फ्रेंड्स कि इसमें ना जिनका मैथ्स वीक होता है वो सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके एग्जाम में आपको मैथ्स के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो हमारी 9th और लास्ट पोस्ट है SSC GD कांस्टेबल की, जिसके लिए बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है कि मैं डिफेंस के सेक्टर में जाऊँ, कंट्री को सर्व करूँ। उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। अप्लाई की जो डेट है 27 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी फॉर्म और 27 सितंबर 2024 इसका लास्ट डेट रहेगा। एग्जाम की डेट की बात करूं तो आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि इसका आपको दिसंबर 2024 से लेकर जनवरी 2025 के बीच एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। क्वालिफिकेशन वेरी सिंपल, 10th पास आउट बंदे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो फ्रेंड्स आप सीट एक्सपेक्ट करोगे ना, सबसे बम्पर नंबर की वैकेंसी इसी के लिए आती है। आपको 40,000 से लेके 80,000 के बीच में आप सीट एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाली है आप सभी के सामने। तो अपनी तैयारी की स्पीड को दुगनी आप रफ्तार से तेज कर दो, क्योंकि बहुत ही अच्छा आपके लिए एक मोमेंट आने वाला है अगर आप तैयारी कर रहे हो SSC के लिए। तो सो आई होप फ्रेंड्स कि मैंने जो कुछ भी आपको डिटेल बताया है SSC की अपकमिंग रिक्रूटमेंट्स के रिगार्डिंग, आप उसको अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर समझने में थोड़ी सी भी कहीं पे भी डाउट कंफ्यूजन कुछ रह गया हो कमेंट सेक्शन में पूछो। अदरवाइज जो ऑफिशियल कैलेंडर आया है वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो करो और कैलेंडर डाउनलोड करके अच्छे से देख लेना। और मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम सब पे फॉलो करने का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाके वहाँ पे फॉलो करो। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शेयर कर देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना, ताकि मेरी सारी न्यू फ्रेश वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच जाए। तो मिलूंगे आपसे फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।